राज्य सैनिक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया रहे एक दिवसीय सीकर दौरे पर। बाजिया ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की ली बैठक। चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने डिस्कॉम अफसरों को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले के माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के विभिन्न कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की प्रदान। बीस सूत्रीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने प्रतापगढ़ स्थित मिनी सचिवालय सभागार में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। 20 सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं का गरीब लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर दिया जोर। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई आयोजित। कलेक्टर ने वर्तमान में स्वीकृत और प्रगतिरत योजनाओं की क्रियान्वित के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजधानी जयपुर स्थित शासन सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने विभागीय अधिकारियों के लिए बैठक। कोविड के दौरान मृतक राजकीय कार्मिकों के आश्रितों को सहायता राशि दिलवाने के बकाया मामलों को लेकर हुई चर्चा। 12 जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारतीय वायुसेना में अग्नि वायु वीरों की भर्ती के संबंध में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। भारतीय वायुसेना के सार्जेंट हरीश चंद्रा और उनके दल ने युवाओं का किया मार्गदर्शन। श्रीगंगानगर स्थित कृषि तकनीकी संदर्भ ज्ञान केंद्र के सभागार में कृषि वैज्ञानिक संवाद का हुआ आयोजन। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के बारे में कृषकों को दी गई जानकारी। राजकीय विद्यालयों में मिशन ज्ञान ऐप के अंतर्गत ई कक्षा का शिक्षण कार्य में अधिकतम उपयोग हेतु श्रीगंगानगर स्थित एक स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में सुविधाओं को सुदृढ़ करने का लिया निर्णय। 117 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की गई प्रदान। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 8 साल में लिए हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। वर्ल्ड विजन संस्था की ओर से बच्चों में पत्रकारिता के गुर विकसित करने और कम्युनिटी मैगजीन निकालने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का प्रतापगढ़ स्थित एक रिसोर्ट में हुआ आयोजन। बच्चों को मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से संबंधित दी गई जानकारी। प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीण जनों की जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत फॉलोअप शिविरों का किया जा रहा है आयोजन। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों के भू अभिलेख निरीक्षक सर्कलों में हुए शिविरों के आयोजन। एनीमिया मुक्त राजस्थान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब हर मंगलवार को मनाया जाएगा शक्ति दिवस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जारी किया आदेश। और राज्य में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के उत्खनन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट किया गया जारी। देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में मिले हैं यूरेनियम के भंडार।